अगर आप 45 इयर्स के हो चुके हैं तो आपको कोरोना वैक्सीन लगवाना बहुत ही ज़रूरी। कोरोना वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। नमस्कार, मैं हूं अशफाक अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ हंटर्स। आज मध्य प्रदेश शिक्षक अध्यापक संघ बीना ने वेतन वृद्धि सहित अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है और अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की बात कही है। देखिए रिपोर्ट। हम लोगों ने हमारे सभी शिक्षक साथियों के द्वारा, जितने भी मध्य प्रदेश में कर्मचारी संघ हैं, जितने भी शिक्षक संघ हैं, उन सभी संघों के द्वारा उनके तत्वाधान में एक ज्ञापन का कार्यक्रम हमारे बीना विकासखंड जिला सागर में रखा गया था। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो सबसे पहली मांग है हम लोगों की, वो वेतन वृद्धि के संबंध में है। चूँकि राज्य शासन ने पिछले वर्ष हमारी जो वेतन वृद्धि थी वो काल्पनिक मान के काल्पनिक दी थी, जिसका कोई लेना देना नहीं है, जो कि जिसका कोई नगद भुगतान नहीं है। और इस साल जो है, चूंकि हम लोगों की वेतन वृद्धि जुलाई में लग जाती है, तो ये जुलाई माह भी हमारा निकलने वाला है और आज दिनांक तक किसी भी प्रकार से वेतन वृद्धि के भुगतान के संबंध में राज्य शासन ने कोई आदेश जारी नहीं किया है। हमारा सम्माननीय सभी राज्य शासन के अधिकारी कर्मचारियों से, महोदयों से निवेदन है कि वो हमारी जुलाई में लगने वाली वेतन वृद्धि को अति शीघ्र लगाया जाए। अगर ये इसका आदेश अगर हमारे 15 तारीख और 20 तारीख के बीच में निकल जाएगा तो हमारी वेतन वृद्धि जो इस जुलाई में लगाई जानी है वो इसी जुलाई के वेतन में ही एडजस्ट हो जाएगी, लग जाएगी, तो जिससे हम लोगों की जो एक निराशा है वो दूर हो जाएगी। और विगत एक साल से जो काल्पनिक वेतन वृद्धि की जो मांग हमारे विभिन्न प्रकार के संगठन कर रहे हैं वो दूर हो जाएगी। दूसरी चीज ये है कि हमारी जो महंगाई भत्ता है, पिछले साल से केंद्र शासन के द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता है, वो महंगाई भत्ता भी हम लोगों को अभी तक प्रदान नहीं किया गया है। तो हमारी मांग है कि जो केंद्र के समान जो महंगाई भत्ता की जो शेष राशि है वो यथाशीघ्र, मतलब अति शीघ्र जो है हमारी महंगाई भत्ता की राशि हमारे सभी शिक्षक बंधुओं के लिए, सभी शिक्षकों के लिए, जो कोई भी शिक्षक संप्रदाय हो वो सभी सभी के लिए जो है शीघ्र अति शीघ्र प्रदाय किया जाए। साथ ही साथ कि जो सातवां वेतनमान है, सातवें वेतनमान की प्रथम किस्त एरियस का प्रथम किस्त का भुगतान बगैर किसी रोक टोक के सर्वप्रथम जो है आयुक्त महोदय के निर्देश के द्वारा, आदेश के द्वारा भुगतान हो गया था, लेकिन आज दिनांक तक द्वितीय किस्त का भुगतान नहीं हुआ। हमारा निवेदन है कि द्वितीय किस्त के भुगतान के आदेश शीघ्र अति शीघ्र जारी किए जाए। और एक बहुत एक विशेष मांग है कि एनपीएस के संबंध में जो राज्य शासन ने अपने मंत्रिमंडल में निर्णय लिया था कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के जो एनपीएस की जो 10% की कटौती होती है, उस 10% की कटौती में जो राज्य शासन अपना सहयोग देता है, अंशदान देता है, वो 14% देगा। चूंकि यह आदेश मध्य प्रदेश शासन के द्वारा मई में जारी किया गया है और यह अप्रैल से लगना था, अप्रैल 21 से 14% की अंशदान की कटौती होने थी, जो कि आज दिनांक तक नहीं हुई है। हम लोगों की तीनों वेतन, चाहे अप्रैल की हो, मई की हो, जून की, 10-10% की कटौती से हो चुकी है। हमारा ये भी राज्य शासन से अनुरोध है कि जो 14% की अंशदान की कटौती का आदेश हुआ है उसे जल्दी से जल्दी लगवाने की जो है किया जाए, जिससे हम लोगों को उससे लाभ मिल सके। जो 4% जो शेष रह गया है उसका लाभ सभी हमारे अध्यापक संवर्ग के साथियों को मिल सके, क्योंकि यह अध्यापक संवर्गों की बहुत बड़ी समस्या है एनपीएस की। तो उसके संबंध में जो 14% अगर लग जाएगा तो शिक्षकों को बहुत, अध्यापकों को बहुत उससे राहत मिलेगी।